इस बात साथियों मैं अपनी साथी के साथ हाजिर हूँ आज इंटीग्रेटेड लर्निंग का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आपके साथ शेयर करने के लिए और वो है कि जब हम आज इंटीग्रेटेड लर्निंग बोलते हैं या कला समेकित अधिगम कहते हैं तो उसमें एक तरफ कला है दूसरी तरफ लर्निंग है तो कला और अधिगम का जोड़ तो हमने अपने पिछले वीडियो में लिए पर अब जो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कि कैसे इस कला अनुभव को हम सीखने के साथ जोड़ेंगे तो कला को दूसरे विषयों के साथ कैसे जोड़ना है तो हमने ये वीडियो देखा इसमें क्या है बारिश के पानी या बारिश को प्रत्येक सब्जेक्ट से जोड़ करके किस प्रकार से मतलब एक बारिश से एक बारिश टॉपिक को लेकर के कितना डिटेल में हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जा सकता है मतलब इस कह सकते हैं आर्ट इंटीग्रेटेड कोर्स करवाया जा सकता है आर्ट को प्रयोग करके कला को प्रयोग करके नॉट चित्रकला चित्रकला एक सब्जेक्ट है कला एक डिस्क्रिप्टिव रूप है ये पढ़ाने का अधिगम प्राप्त करने के लिए एक टूल्स है। अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर चलते हैं इसका जो प्रतिलिपि है उसको हम लोग देख लेते हैं कितने पेज की प्रतिलिपि है उसको ओपन करते हैं तो ये ओपन हो रही है तो 2 पेज की प्रतिलिपि है इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझना महफूज समझें क्योंकि इसी समझदारी से आप अपने स्कूल में जब जाएंगे विद्यालय प्रारंभ होंगे तो बच्चों को बताएंगे कि और इसके अतिरिक्त भी प्रशिक्षण को आप प्रशिक्षण के तरीके से ही लें क्योंकि इससे पहले मैं जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें साफ साफ मैंने बताया कि किस प्रकार से कौन सी गलतियाँ शिक्षक साथी हमारे गुरुजन ना करें तो देखते हैं इसमें कला समेकित अधिगम को भाषा शिक्षण से जोड़ना अंग्रेजी और गणित तो साथियों मैं अपनी साथी के साथ जो अभी आपने एक वीडियो सुना इसमें जो 2 लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको समझाया आप भी इस जो आपको ये शो हो रही है इसको पढ़ने का पूरा कोशिश करें और जब आप इसको पढ़ेंगे पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे तो इससे बहुत कुछ खुद को सीखने को मिलेगा साथ ही अपने बच्चों को सिखाने के लिए भी मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है इसी में विषयों को कला समेकित शिक्षा से जोड़ना तो गतिविधि नंबर 5 है इसमें विषयों को कला समेकित शिक्षा से जोड़ना एक कला अनुभव कला गतिविधि के बारे में सोचें जिसे आपके विषय की शिक्षण अधिगम में जोड़ा जा सकता है यह वर्णन करने का प्रयास करें कि गतिविधि आपकी कक्षा में कैसे हो सकती है इस बारे में चर्चा करनी है और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है इसमें क्या दिखाया गया है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये आवश्यक है कि हम हर एक प्रशिक्षण को जो भी मेरे पास है अपना प्रशिक्षण उसको बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि आगे आने वाली जो पोस्ट टेस्ट परीक्षा है इन प्रशिक्षणों के बाद निष्ठा प्रशिक्षणों के बाद वो उसमें 60% लाना बहुत आवश्यक है तो इसमें 18 पेज हैं चलो हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं पहले हम एक बार पूरा दिखा देते हैं इस प्रकार से किस प्रकार से इसमें हैं पेजों को शामिल किया गया है। असेसमेंट फॉर लर्निंग और तीसरा और अंतिम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी तक आपने देखा होगा कि मोस्टली असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता था पर असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि इस ये प्रक्रिया का अध्ययन है एक तरह से प्रक्रिया का मूल्यांकन है यदि हम इसे नहीं करेंगे तो हम मूल्यांकन पूरा कर ही नहीं पाएंगे और यहीं पे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हमारे सबसे ज़्यादा काम आती है तो मैं आपके साथ साझा करूँगी कि मूल्यांकन जो है वो अधिगम के लिए कैसे होता है। अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा जिसमें कला समेकित शिक्षा द्वारा मूल्यांकन वीडियो प्रतिलिपि है उस वीडियो की आप देखो जो असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग वैसे जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग अभी तक पढ़ते रहे हैं लेकिन ये 2 पॉइंट हैं नए हैं इसलिए इनका किस प्रकार से इसमें प्रयोग किया गया उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस प्रतिलिपि में। तो कला समेकित शिक्षा द्वारा मूल्यांकन 3 स्टेज में बांटा जाता है जो आपके पास मटेरियल है उन सब में भी आप अब तक पढ़ चुके होंगे
पहला असेसमेंट एज लर्निंग, दूसरा असेसमेंट फॉर लर्निंग और तीसरा अंतिम है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी तक आपने देखा होगा कि मोस्टली असेसमेंट ऑफ लर्निंग किया जाता था, पर असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग लगता है कुछ महत्वपूर्ण है और नई प्रक्रिया है। तो यहाँ यहीं पर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग सबसे ज़्यादा काम आती है। तो मैं आपके साथ साझा यहाँ पर करूँगा मूल्यांकन जो है वो अधिगम के लिए कैसे होता है, और वो भी कला समेकित अधिगम से। तो लेकर चलता हूँ आपको आपकी गतिविधि के साथ। जो आपने बरसात की आवाज़ निकलते वक्त और बरसात में भींगते वक्त महसूस किया था, मानो आप ये गतिविधि अपनी कक्षा में कर रहे हैं, बच्चों के साथ कर रहे हैं। जब बच्चों को आपने ये गतिविधि दी, आप ये देखेंगे कि हर बच्चा अपने तरीके से इसमें जुड़ रहा है। कोई बहुत ही आनंद ले रहा है, जो जितना आनंद ले रहा है वो उस गतिविधि के फ्लो में चल गया। और ये जानिए कि उस बच्चे का अपने साथ और उस इमोशन के साथ जुड़ाव है वो भी कई ज़्यादा होगा। और कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो केवल दूसरों को देख रहा है, वो उस एक्टिविटी को कर नहीं पाता है, केवल दूसरों को देख रहा है तो उस एक्टिविटी को नहीं कर पाता है। उसकी एनेक्सिटी, उसका इधर उधर देखने की क्यूरोसिटी कोई गलत बात नहीं है, पर कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी काम में, बच्चों को जोड़ना चाहते हैं और बच्चा उसमें जुड़ करके ना देखे और भी दूसरों को देखता है रहे तो वो अनुभव नहीं कर पाता है, तब आप मूल्यांकन करेंगे लर्निंग का एक शुरुआती दौर में। तो आप पर असेसमेंट एज लर्निंग ज़्यादा काम आती है। इसके बाद हम जब असेसमेंट फॉर लर्निंग पर आएंगे तो इस पर्टिकुलर हिस्से पर दोबारा से नज़र मारेंगे। तो चलिए चलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा आपके पास हाजिर हूँ, पर इस बार आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का एक नया पहलू लेकर। अभी तक आपने किया है और देखा है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में हम किस तरह के एक्टिविटीज करते हैं जिससे करने वाले को अलग अलग तरह के कार्य अनुभव होता है, उसमें वो अपने जीवन के आर्ट से जोड़ता है और अपने आसपास की चीज़ों के साथ जोड़ता है और अपने जो एक्सप्रेशन है, अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, उसको साझा करता है। तो इन दोनों वीडियो के साथ यह महत्वपूर्ण जो है ये समझता है कि कला को हम मूल्यांकन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब तक जानते थे लर्निंग तब तक अधूरी है, अधिगम तब तक अधूरा है जब तक कि उसका मूल्यांकन नहीं जुड़ा है। और कला समेकित अधिगम एक ऐसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें एक प्राकृतिक ढंग से मूल्यांकन होता ही है। और हम यहाँ पर उदाहरण लेंगे, पर उस उदाहरण को लेने के लिए मैं बताऊँगा कि अब हमारा जो मूल्यांकन करने का तरीका है वो आप जानते हैं कॉम्पिटेंसी वेस्ट है। लर्निंग भी हम कॉम्पिटेंसी के आधार पर करते हैं, विषय के आधार पर कम करते हैं। तो हालांकि इस पर्टिकुलर लेसन में आप अपने रीडिंग मटेरियल में देखेंगे लगभग 10 से 12 कॉम्पिटेंसीज हमने जोड़ी हैं। यहाँ मैंने 2 कॉम्पिटेंसीज जोड़ी हैं क्योंकि समय कम है और आपको समझ आ जाए, इसके लिए केवल 2 ली हैं, जिसमें हम यह कहते हैं कि लर्नर है वो अलग अलग परिस्थितियों के साथ जुड़ करके सोचने की तैयार हो जाएगा। वो अपनी क्यूरोसिटी के हिसाब से इन एक्टिविटीज़ में इंगेज होगा और कन्वर्सेशन में इंगेज होगा, अपने शब्दों में अपने अनुभवों को, वास्तविक अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर पाएगा। और इस तरह की भाषा के अनेकों कॉम्पिटेंसीज हैं जिसमें एप्रोप्रिएट वोकेबुलरी का प्रयोग भी हमने लिखा है, करना सीख जाएगा। अब हम चलते हैं कि हम मूल्यांकन करेंगे तो इन चीज़ों को हम अलग अलग स्टेज में कैसे देखेंगे। तो अभी आपने सुना कि असेसमेंट लर्निंग की बात कला समेकित अधिगम में हम अपनी शिक्षा में कैसे AEL के माध्यम से असेसमेंट एज लर्निंग करते हैं, क्योंकि बिना असेसमेंट के कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती है।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। जैसे अभी पाठ में ही मानसून डायरी के उदाहरण के लिए लें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत कुछ उसमें प्रोसेस में आया। अब जो हमारा जब असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है तो हम उसमें कुछ ऐसे प्रश्न बच्चों के सामने रखें जिसमें कि उनकी वोकैबुलरी क्या है, सही में बड़ी या उन्होंने कुछ उसको एनरिच किया है इसमें, और कुछ ऐड किया या उसी तरह, क्योंकि हमारा जो भी लर्निंग आउटकम है वह कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी। तो इस प्रकार से आप ये पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने असेसमेंट के आकलन का जो लास्ट में प्रश्नोत्तरी है उसको करेंगे तो आप बहुत अच्छे से और अपनी समझ से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।